Hey guys, welcome back to my channel once again. Friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, 2287 पदों पर शिक्षकों की जो भर्ती है उस पर जो है एक और अड़ंगा लग सकता है, वो कौन सा है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो मेरे साथ अपन तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कानूनी दांव पेच में उलझ सकती है 2287 पदों पर आवेदन निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। जी हाँ फ्रेंड, एक से एक मामले जो है आपको देखने को मिल रहे हैं बेसिक शिक्षक भर्ती में, जो कि इसमें चल रही है। एक बार फिर से कानूनी दांव में उलझ सकती है। वो दांव कौन सा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो सर्टिफिकेट है उनमें गलत सूचना के आधार पर जो है शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आरोप लगाते हुए हरिद्वार की एक उम्मीदवार ने इन आवेदनों को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये ताज़ा मामला जो है हरिद्वार का है, जहां पर सीटेट में जो है गलत इन्फॉर्मेशन देने और उसके अलावा शिक्षक भर्ती में जो है फॉर्म भरने पर जो है यहाँ पर जो है हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की है कि इस फॉर्म के जितने भी फॉर्म आए थे उनको जो सीटेट के थ्रू भरे गए हैं उनको कैंसिल कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं कि मामला यह है कि बेसिक के शिक्षकों के पदों पर पूर्व में जो मामला चल रहा था, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि NIU से डीलेट करने वाले और डायट करने वालों के बीच का मामला काफ़ी उलझा हुआ था। क्योंकि हाईकोर्ट पहुंचने के बाद थोड़ा सा मामला शांत जो है समझ में आ रहा था, लेकिन NIU से डीलेट करने वालों का कहना था कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने मान्यता दी है, जबकि डायट से डीलेट करने वाले उम्मीदवार इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि NIU से डीलेट करने वालों को शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि सितंबर में जो है हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शिक्षकों की भर्ती उसके अंतिम फैसले के अधीन होगी। भर्ती में रोक हटाने के बाद जो है शिक्षा विभाग की ओर से बैकलॉग के 361 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में है, जबकि जो मेन भर्ती है जो नवंबर 2020 में आई थी, 2287 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची देते हुए इस पर आपत्तियां मांगी थी, जिस पर जो है कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि उनकी ओर से सीटेट के जो सर्टिफिकेट के लेकर आपत्तियाँ दी गई हैं, इसके बाद भी उसे ठीक नहीं कराया गया है। तो ये मामला जो है तूल पकड़ रहा है शिक्षक भर्ती का। यार पता नहीं ये शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है एक से एक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं रामकृष्ण उनियाल, उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी गई हैं, आपत्तियों के परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीटेट CBSE कराता है, बोर्ड से भी इस मामले में जानकारी ली गई है। तो ये जो ताज़ा मामला जिसको लेकर ये हो रहा है कि वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे जिनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा था, लेकिन 1 वर्षीय BEd वाले उम्मीदवारों ने भी गलत सूचना के आधार पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। गलत सूचना के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल करने वाले ये उम्मीदवार अब वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। जिनके नाम मेरिट सूची में शामिल हैं उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाए। ये मामला भी मैंने पहले लास्ट वीक उठाया था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर आपने अपने फॉर्म भरने में गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। वहाँ पर यह कई लोग ऐसा कह रहे थे कि ये फॉर्म ऑनलाइन होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। जब आपने मामला बस यहीं पहुँच रहा है, जब 1 वर्षीय BEd के दौरान आपने सीटेट अगर क्वालिफाई कर लिया है तो फिर जब यार वहाँ पर मेल यहाँ पर गलती अप्लाई करने वाले की नहीं है, मैं मानता हूँ अगर उसमें एप्लीकेशन में दिया था कि नहीं भाई हमको अप्लाई करना, तो CBSE का डेटाबेस उसको पकड़ क्यों नहीं पाया। अगर ऐसा जैसे कि इस मामले में ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे जिनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा था, लेकिन 1 वर्षीय BEd वाले उम्मीदवारों ने भी गलत सूचना के आधार पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता का प्रमाण पत्र ले लिया। तो इसके लिए फिर जो है कहीं ना कहीं CBSE का सीटेट का जो डेटाबेस है कहीं ना कहीं उसमें ऐसी दिक्कत है जो कि इस लूप होल को नहीं पकड़ पाया और लोगों ने इस लूप होल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल
किया, लेकिन उनकी वजह से सोचिए अब दिक्कत औरों को भी हो रही है, जहां पर फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में जाने वाला है, जहां पर कि ये याचिका दायर कर दी गई है कि जिनके फॉर्म में गलत है उनको फॉर्म निरस्त कर दिया जाए। ये चीज़ मैंने 2 महीने पहले ही ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे कुछ अपडेशन होने वाले, क्योंकि फॉर्म में सीटेट के फॉर्म में भी, यहाँ तक कि यूटेट के फॉर्म में भी जो है गलतियाँ पाई गई हैं, जो सॉरी फॉर्म नहीं सर्टिफिकेट में गलतियाँ पाई गई हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी जो है सतर्क है। फिलहाल ये रही उम्मीद, देखते हैं और इसमें आगे क्या क्या दांवपेच अभी बाकी हैं। अभी तो भर्ती बहुत ही लंबी है, काफ़ी दांवपेच इसमें बाकी हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का लिंक फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद भारत, जय उत्तराखंड।